दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये टीवी पर मैं सप्लाई देके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये मेडल कंपनी का टीवी है। बट दोस्तों कुछ भी टीवी हो सकता है। ये जो सिम्टम है देखिए, इसका जो मेडल लिखा जो कंपनी का लोगो, तो ये क्लियर नहीं है। मैं ये स्टिक घुमा के एडजस्ट करने के बाद भी ये जो इसी तरह ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉब्लम दोस्तों शो हो रहा है, ये क्लियर नहीं है जो टीवी का लोगो है। तो चलिए, कुछ भी टीवी हो सकता है, इसी तरह सिम्टम आ सकता है। आपको वीडियो मैं लाइन कनेक्शन करके ही रखा हूँ, ये जो लाइन है। चलिए वीडियो सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं वीडियो सप्लाई दे दिया, स्क्रीन का अंदर लिखिए। ये जो सेटअप बॉक्स का लोगो, ये भी इस तरह आ रहा है। तो थोड़ा सा रुकिए, और पिक्चर किस तरह आ रहा है ये भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों साउंड इसका बिल्कुल ओके है, ठीक है। देखिए पिक्चर इस तरह आ रहा है, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्टेज नहीं करूँगा, आपको देखूँगा। बट दोस्तों ये नॉलेजेबल वीडियो होगा, क्योंकि दोस्तों ये मॉनिटर का पिक्चर ट्यूब है और ये 70 इंची वाला मॉनिटर ट्यूब है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद आपको जो दिखाना चाहता हूँ कि मैं बैक कवर ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि ये टीवी फर्स्ट ESD प्रॉब्लम था। ESD को मैं चेंज किया, आप देख सकते हो, ये न्यू ESD मैं लगाया। लगाने के बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम आ गया। तो दोस्तों देखिए, एक्चुअली इसी तरह प्रॉब्लम जो आता है, बेस का प्रॉब्लम होता है। बेस जब फॉल्ट होता है, बेस चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। दोस्तों इसी तरह अलग अलग टीवी का अलग अलग टाइप का बेस देखा जाता है, ठीक है। ये अलग टाइप का एक बेस है, ये अलग टाइप का एक बेस है, इसी तरह अलग अलग टाइप का बेस देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो बेस है 70 इंची, सभी जो 70 इंची मॉनिटर वाला पिक्चर ट्यूब होता है उसका अंदर एक अलग सा बेस रहता है। चलिए मैं आपका सामने में ओपन करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला बेस है, ठीक है। ये वाला बेस का डिफरेंट क्या है कि देखिए, इसका अंदर दो मिडिल पिन, दो फोकस पिन है। आप अच्छा करके देखिए, ये दो फोकस पिन है, और नॉर्मल जो अलग अलग बेस देखा जाता है सबका अंदर 1 फोकस पिन बेस देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ कि दोस्तों ये जो डबल फोकस पिन वाला बेस मार्केट का अंदर मिल जाता है, ठीक है। बट सभी इलाका का अंदर ये डबल फोकस पिन वाला बेस नहीं देखा जाता है। इसीलिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि ये बेस आपके पास है तो आप आसानी से ये बेस को कनेक्शन कर सकते हो। तो दोस्तों ये बेस आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं यही दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा पास जो बेस अभी अवेलेबल है, मेरे पास ये बेस भी है और ये जो सिंगल पिन वाला बेस, ये बेस भी है। तो दोस्तों ये चाइना जो लोकल PCB होता है, ये बेस है, ये सिंगल वाला, ठीक है। इसका पिन फंक्शन सेम है, बट इसका मिडिल पिन 1 है और इसका मिडिल पिन 2 है। तो ये वाला जो बेस है, ये बेस यहाँ पर लगाऊंगा, और कैसे ये बेस को लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऊपर ये वीडियो है, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। तो मैं क्या करूँगा आपको देखना पड़ेगा। ये जो पिक्चर ट्यूब है, ये पिक्चर ट्यूब का अंदर ये जो बेस देखिए, जो पिन का अंदर बेस देखिए, इसको कट करना पड़ेगा। इसका अंदर क्या है, इसका अंदर भी देखिए 2 पिन है। आप अच्छा करके देखिए, इसका अंदर भी 2 पिन है। आप अच्छा करके देखिए, 2 पिन है, ठीक है। तो ये कट करना पड़ेगा, और किस तरह मैं कट करूँगा, तो चलिए मैं स्टेप बाई स्टेप आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा वेट कीजिए। दोस्तों देखिए, मैं इसी तरह ये जो बेस है इसको मैं कट कर रहा हूँ। ये जो छोटा सा एक ये कॉलर जो ब्लेड है, ये लेके मैं कट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ग्रीन वाला बेस है, यह सब ओपन भी कर सकते हो। पर दोस्तों मैं थोड़ा सा कोशिश किया, ये इतना टाइट है, ये आसानी से ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। आप जो हीट आयरन से भी ये जो पॉइंट है, इसको आप आउट कर सकते हो। मैं देखिए किस तरह काट रहा हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो मैं थोड़ा सा देखिए मैं काट किया, ठीक है, ये देखिए इसी तरह। तो चलिए मैं फाइनली काट करने के बाद, ये जो एक हाथ से पकड़ना पड़ेगा, मैं एक हाथ से कैमरा काट रहा हूँ इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और मेरा एक दोस्त ये पिक्चर ट्यूब को हल्का सा ये इस तरह ऊँचा करके रखा है, ठीक है। तो चलिए पूरा काट करने के बाद आपका एक दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों देखिए ये अलग सा वायर लेके, ठीक है, अलग सा वायर लेके ये जो 2 पिन है, मैं सिर्फ इसका अंदर जो 2 पिन है, ठीक है, ये 2 पिन को मैं शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। तो चलिए ये एक्स्ट्रा वायर जो है, ये एक्स्ट्रा वायर को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो एक वायर है, और ये 2 पिन को मैं ज्वाइन किया।
जॉइन करने के बाद, तो चलिए ये बेस ओपन करने के बाद सिंगल बेस यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। सिंगल बेस लगाने के बाद आपको कनेक्शन करके देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों काम तो पूरा रेडी हो गया। देखिए ये बेस को मैं ओपन किया, ठीक है, और ये सिंगल फोकस पिन वाला बेस को मैं यहाँ पर लगाया, ठीक है। और लगाने के बाद चलिए आपका सामने ये जो पिक्चर ट्यूब है जिसको मैं कटिंग किया, ठीक है, यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। देखिए ये आसानी से इस तरह कट करने के बाद ये आसानी से लग जाता है, ठीक है। ये थोड़ा टाइट कर, देखिए ये बेस मैं लगाया, ठीक है। और उसके बाद चलिए मैं सप्लाई देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, ठीक है। और टीवी का अंदर आप देख सकते हो फिलामेंट जल रहा है कि नहीं, देखिए फिलामेंट अंदर से जल रहा है, ठीक है, फिलामेंट देखिए जल रहा है। और स्क्रीन का अंदर देखिए ये बिल्कुल ओके ये भी लिखा, और ये देखिए कंपनी का जो मेडल लिखा है ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पिक्चर देखे भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। मैं वीडियो लाइन दे देता हूँ, देखिए वीडियो लाइन दे दिया। देखिए सेटअप बॉक्स का लोगो ये भी क्लियर आ रहा है, तो कैमरा का वजह इस तरह लग रहा है। और चलिए वीडियो भी बिल्कुल ओके आ रहा है।